अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है विटामिन B12। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में ये पाया जाता है, इसकी कमी कैसे होती है और उसकी साइंस क्या है, उसकी टेस्टिंग कैसे करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। और आपको अगर किसी किस्म की थकन हो रही हो या नींद आ रही है ज़्यादा, या आपको याददाश्त आपको ज़रा आपको लग रहा ख़राब है, या आपको एनीमिया है, तो क्या ये वाकई विटामिन B12 की कमी की निशानी है, तो किस तरह से मालूम करना चाहिए। तो लिहाजा इन सारे सवालात के जवाबात के लिए देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसी नई वीडियो बने आप तक फौरन पहुंच जाए। तो इससे पहले कि हम सारा जिक्र करें सारे सिम्टम्स या कॉजेज क्या क्या हैं, ये देखें कि विटामिन B12 जिससे में करता क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। एक तो ये याद रखें बात कि विटामिन B12 हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो हमारी सारे डिपेंड करती है बॉडी एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। एक तो ये विटामिन B12 आपकी जो नर्व्स और मसल्स हैं, नसें और मसल्स वगैरह हैं और ब्रेन है और रेड सेल्स, उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि रेड सेल की जो फॉर्मेशन होती है, जो बनते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो जितने भी सिम्टम्स हैं, अगर कमी हो जाए तो अंदाज़ा कर लें कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो अगर नर्व्स का फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको नसों में खिंचाव भी हो सकता है, आपको टिंगलिंग नमनेस वगैरह जो होती है वो शो हो सकती है, पिंस एंड निरल्स हो सकती हैं। और अगर रेड सेल की फॉर्मेशन सही से नहीं हो रही हो तो एनीमिया हो जाएगा, आपको खून की कमी शुरू हो जाएगी। ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेन की अगर फंक्शन सही से नहीं हो रही है तो उसके अंदर आपकी याददाश्त भी सही से नहीं आ रही है, और ये आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी भूलें चीज़ें। तो अच्छा, ये भी याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़ी सी भूलने की कुछ प्रॉब्लम है, या आपको एनीमिया है, या आपको नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है, टिंगलिंग नमनेस हो रही है, ख़ास तौर पे पैरों में या हाथों में, तो ये सिर्फ B12 की कमी की वजह से ही है, क्योंकि इसके और भी वजूहत भी हैं। लेकिन ये याद रखें कि B12 की जो कमी है, ये जो इसका हमारा हम जैसे सोचते हैं, ये उससे ज़्यादा कॉमन है कंडीशन। अभी देखें कि विटामिन B12 की सोर्सेज क्या हैं। एक याद रखें कि ये इसकी वेजिटेबल या वेजिटेरियन सोर्सेज में बिल्कुल नहीं, यानी कि आप अगर वेजिटेरियन हैं या वेगन हैं तो B12 में आपको नहीं मिल रहा है। तो इसकी सारी जो सोर्सेज हैं वो हैं एनिमल सोर्सेज, यानी जो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है, दूध मक्खन दही वगैरह, या गोश्त है, चाहे वो बीफ हो या पोल्ट्री हो, चिकन है या फिश है, ये इसमें पाया जाता है। फिर दोबारा से देखें कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जैसे एक कंडीशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसमें हाथों में और पैरों में जैसे नमनेस होना शुरू हो गई, टिंगलिंग शुरू हो गई, वाजबा इवन पेन वगैरह भी शुरू हो गया, ये थोड़ा सा ऑफ बैलेंस शुरू हो गया, क्योंकि आपकी जो पैरों की जो सनसनाहट है वो बढ़ गई है, या आपको उसकी उसमें सेंसेशन इतनी अच्छी नहीं रही है। दूसरे जैसे अगर ब्रेन का फंक्शन है, तो उसमें आपको भूलने की थोड़ी सी इशू हो रही हैं, या आपको इरिटेबिलिटी भी वाजबा हो रही है। मसल्स में है, अगर तो मसल्स में आपको कमज़ोरी हो रही है, फटीग हो रही है, थकन हो रही है बहुत ज़्यादा, मसल में बाद दफ़ा दर्द भी जैसे हो रहा हो, ये उसके सिम्टम्स हैं। और अगर खून की कमी है, तो जो भी जैसे खून की कमी होगी उसके जो सारे सिम्टम्स हैं उसमें, जैसे अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो पेल स्किन हो गई आपकी। अच्छा, और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके लिए हम स्लाइड में डाल देंगे, ये डिपेंड करता है सारी एज के ऊपर, तो उस एज के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। तो आइए देखें कि B12 की कमी कैसे होती है। एक तो ये है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन में इसकी कमी है, आप जैसे वेगन हैं या वेजिटेरियन हैं, तो आपकी ग़ज़ा में नहीं, तो उसकी कमी हो जाएगी। दूसरी वजह ये होती है कि आपने खाते रहें लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है हाथों से, तो उसमें कौन सी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि जैसे बहुत सी कंडीशंस हैं, इसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज़ या सीलियक डिजीज़ है, या किसी के अगर जो ख़ासतौर पर जो स्मॉल इंटेस्टिन है, वो स्पेशली जो उनका आखिरी हिस्सा स्मॉल इंटेस्टिन का है, जिसको एलियम कहते हैं, वो भी अगर निकाल दें किसी वजह से सर्जरी करने के बाद, तो वो फिर वहाँ से B12 एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन जो एक बहुत कॉमन कंडीशन है, उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसको जो आपकी अपनी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बॉडी बनाना शुरू कर देती है। होता ये कि जब हम विटामिन B12 लेते हैं ग़ज़ा में, तो स्टमक आप या आपका जो मैदा है, एक केमिकल सिक्रेट करता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 से जब मिल जाता है, तो सिर्फ उसी सूरत में ही ये आपके आंतों से एब्जॉर्ब होगा। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो लिहाजा
अगर आप चाहे गजा में कितनी भी लेते रहें, आप अपनी सप्लीमेंट से ले लें, लेकिन अगर वो आपके पास इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं है तो आपका गजा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये देखें इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी कैसे होती है। होता ये कि जब एंटीबॉडीज होती हैं, एक स्टमक के डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, तो एक सेल जो है उनको कहते हैं पैराइटल सेल्स, वो जो आपकी एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं। होता ये कि जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं या तो इंट्रेंसिक फैक्टर के अगेंस्ट और पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट, तो जब वो होती हैं तो क्या होता है कि उसमें आपकी जो स्टमक की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, तो आपका जो इंट्रेंसिक फैक्टर बनना ही बंद हो जाता है। जब बंद कम हो जाएगा तो फिर आपका बीट वॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कमी हो जाएगी। और ये जो परनीशियस एनीमिया की कंडीशन है, ये जैसे मैंने कहा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपनी बॉडी ही के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, वो बहुत सी एक तरह के फैमिलीज में भी बार दफ़ा रन करता है। क्या अगर किसी के बहन या भाई या वालदेन को में हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको भी हो, एक तो ये। दूसरा जो है वो और जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन हैं, जैसे थायरॉयड की प्रॉब्लम, लो खासतौर पर जो लो थायरॉयड है या जिनको लूपस वगैरह है, और जितने किस्म के भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो उसमें ये उसकी जो इंसिडेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो अभी देखें किसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो विटामिन B12 के लेवल को हम चेक करते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये लो है कि नहीं। लेकिन एक बात जो है, बहुत से इवन डॉक्टर्स को भी मैं देखा है कि वो जहन में नहीं रखते कि बाज दफ़ा ऐसा होता है कि खासतौर पर जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें B12 की ब्लड की लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन आपके जो टिश्यूज़ हैं उसमें B12 की ऑलरेडी कमी है। तो उसके लिए दो और टेस्ट हैं, एक का नाम है मिथाइल मेलोनिक एसिड और दूसरा है होमोसिस्टीन। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्लाइड में भी डाल देंगे, लेकिन ये टेस्ट जो है अब अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें कि इनको भी इंक्लूड करें जब आपकी टेस्टिंग कर रहे हो। देखिए B12 जिस्म में एक को फैक्टर के तौर पर काम करता है, तो जैसे भी जितने भी एंजाइम के रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो वो उसमें ये हेल्प करता है। जब अगर उसकी कमी होगी तो उसके आगे की जितने भी ऊपर जो प्रोसेस हैं वो फिर जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे हैं। उन दो केमिकल्स का नाम है, वो एक तो मिथाइल मेलोनिक एसिड है और दूसरा है होमोसिस्टीन। तो बहुत सारे जो सिम्टम्स जो हमें नज़र आते हैं, जैसे नर्व का डैमेज हो रहा है, मसल की थकन हो रही हो, या इवन सेल्स आपके रेड सेल्स जो हैं उनकी कमी हो रही हो, वो ये इन दो केमिकल्स की वजह से ज़्यादा होते हैं। बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनकी हमने B12 लेवल चेक की, वो तो नॉर्मल है, लेकिन जब हमने होमोसिस्टीन की और मिथाइल मेलोनिक एसिड चेक किया तो वो बढ़ावा निकल आया। तो याद रखें कि जब अगर वाइटमिन B12 लो हो जाता है या कमी हो जाती है तो ये मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाते हैं। यानी जो ये ज़्यादा होते हैं ये दो केमिकल्स, ये निशानी है B12 की कमी की। इसी तरह जब हम B12 को रिप्लेस करना शुरू करते हैं तो ये सारे लेवल्स को मॉनिटर करें तो ये दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैं अपना एक और आपको पर्सनल सीक्रेट भी बता दूं कि मुझे खुद भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। मुझे भी काफ़ी अर्से 10-15 साल पहले जिसमें मैं खासतौर पर टांग में दर्द हो रहा था, मसल्स में ठंड हो रही थी और नमनेस हो रही थी, कभी बाज दफ़ा टिंगलिंग हो रही थी मुझे, तो मैंने B12 अपना चेक कराया तो वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन था, इतनी ज़्यादा कमी नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपना मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन चेक कराया तो वो बहुत ज़्यादा निकला था। और जैसे ही मैंने फिर अपनी B12 रिप्लेस करना शुरू किया तो उसके बाद ही सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। और एक बात याद रखें, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहे, आपकी न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो इवन अगर B12 आपने रिप्लेस भी कर दिया तब भी ये आपको हो सकता है ये सारे सिम्टम्स आपके वापस ना हों। फिर अब आप ये देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट, आपको बेसिकली अपना B12 रिप्लेस करना होगा। एक तो या तो अपनी गजा बढ़ा दें, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं और फिश है, चिकन है, ठीक है। दूसरा एक आप सप्लीमेंट्स लें। तो सप्लीमेंट्स में पहले हम ये सोचते थे कि जैसे अगर B12 की डेफिशिएंसी है, खासतौर पर जो परनीशियस एनीमिया की है जिसमें स्टमक में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है क्योंकि एंटीबॉडीज इसमें डेवलप हुई हुई है और इंट्रेंसिक फैक्टर जो है वो कम है, तो ये ख्याल था कि आप हम अगर ओरली देंगे तो वो उससे कमी पूरी नहीं होगी। लेकिन अब हमने देखा कि अगर आप मेगा डोजेस ले रहे हो, जैसे 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम अगर आप ओरली ले रहे हो टैबलेट्स के फॉर्म में, तो वो फिर भी जो खासतौर पर जो माइल्ड से या मॉडरेट कंडीशंस हैं वो उसको कमी पूरी कर देते हैं। और उससे बेहतर और फॉर्म ये है कि आप अगर जबान के नीचे जो रखते हैं, जैसे सबलिंगुअल फॉर्म है, वो ले लें तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपका पेट को बाईपास कर देते हैं। लेकिन बहुत सी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये भी आपको मुफीद नहीं होता, इसलिए कि आपकी इतनी शदीद कमी होती है कि या इतनी इंट्रेंसिक फैक्टर की इतनी कमी है कि वो आप एब्जॉर्ब होता ही नहीं, चाहे आप कितनी तादाद में ले लें मुँह के ज़रिए। तो
फिर उसको ये करना होता है कि उनको इंजेक्शन देना पड़ते हैं, इंट्रामस्कुलर 1 मिलीग्राम का B12 का इंजेक्शन होता है। सिंपली शुरू में ये होता है कि आप हर हफ्ते दे दें 3 या 4 दफ़ा, और उसके बाद जो आपकी जिसको कहते हैं मेंटेनेंस डोज है वो हर महीने उनको लगाना होती है। साथ में आप पीरियोडिकली हर 3-6 महीने बाद, इवन जैसे साल के बाद, आप उनकी B12 लेवल चेक भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सारे सिम्टम्स हैं जैसे थकन हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, टांगों के जो खासतौर पर जो मसल्स हैं दर्द हो रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है, फटीग हो रही है आपको, थकन हमेशा रहती है, भूल जाते हैं चीज़ें बार बार, हाथों में या पैरों में सनसनाहट हो रही हो, तो फिर ये याद रखें कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, B12 के अपनी टेस्टिंग कराइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, जो भी दोस्त हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स हो हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा करें और ख़ुद भी वो अपने डॉक्टर से रुजू कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।